नमस्कार, स्वागत है आपका एसटूडे की विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको मिलाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप पठानिया जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं तो किस तरह का उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका एसटूडे में स्वागत है। आप बताएंगे कि आप प्रचार कर रहे हैं तो किस तरह का लोगों का जो समर्थन है आपको मिल रहा है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, इसमें मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, वीरभद्र सिंह जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे हमीरपुर विधानसभा में क्षेत्र में प्रत्याशी बन के उतारा है। मैं जहां भी जाते हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोगों का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और जो सरकार ने पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास किए हैं, उनकी बदौलत जो है वो सारे चुनाव क्षेत्र में लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है। क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम विकास का मुद्दा जो माननीय मुख्यमंत्री ने 5 सालों में इस प्रदेश में किया है, हर वर्ग को राहत दी है, हर क्षेत्र का विकास किया है। 55 कॉलेज उन्होंने दिए हैं, 1500 स्कूल दिए हैं और हॉस्पिटल दिए हैं, हमारे यहाँ तहसीलें दी हैं। हमीरपुर में ही लगभग 3 तहसीलों का उन्होंने सब तहसील हमीरपुर में लंबड़ू में दी है, सब तहसील कांगू में दी है, तहसील गलोड़ में दी है, एसडीएम दफ्तर सुजानपुर में दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज तनेटे में दिया है और कितनी ही दूसरी स्कीमें जो है उन्होंने हमीरपुर में दी हैं। और पूरे प्रदेश का जो अथाह विकास कराया है वो हमारा जो विशेष मुद्दा है। और दूसरे प्रदेश केंद्र में जो सरकार बैठी है, जिन्होंने लोगों से वायदे किए थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे और 15 लाख आपके खाते में डालेंगे, और वो काला धन न आया, न काला धन उनको मिला, सिर्फ लोगों को झूठ बोल के उन्होंने चुनाव लड़ा था उसको। और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। आज वो बातें जो है वो लोगों को जो है 3.5 साल बाद लोगों को लगता है कि हमें ठगा गया है, हमें सपनों के, हमारे सपनों को भड़काकर, सपनों के सौदागर बन के मोदी जी ने आज हमें ठगा हुआ है। आपके विपक्ष में बात की जाए तो भाजपा के उम्मीदवार हैं नरेंद्र ठाकुर जी। माना जा रहा है कि पिछली बार जो था वो आप ही ने जो है था उनके चुनावों के लिए प्रचार किया था, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जनता जो है वो कितना इनको साथ देगी और कितना जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगी? ठाकुर नरेंद्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो पता नहीं क्यों वो अपने फादर के पंचिन्हों पर नहीं चले। वो एक शख्सियत थी जिन्होंने भाजपा का स्थापना की थी, क्यों पार्टी छोड़ छोड़ के इधर इस तरफ या उस तरफ जा रहे हैं वो तो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, लेकिन जनता ने इस जगह के दल छोड़ने वालों को लोग कभी पसंद नहीं करते हैं, वोटर कभी पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी जो है सजा नरेंद्र ठाकुर को भी लोग देंगे। पहले वो आपके साथ थे, अब जो है वो आपके विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितना इसका आपको खामियाजा इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा का आएगा भुगतना पड़ेगा, वो अपने आप में ही लोगों के बीच में एक हंसी का पात्र बने हुए हैं। लोग ही कह रहे हैं कि कल कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए हैं, आज बीजेपी में चले गए, पहले वो मित्र मंडल में था, अब पता नहीं कौन सा मंडल आ जाएगा। उनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रहा कि हमारी जो विश्वास है, हमारा जो इसके ऊपर फकर था, वो इसका विश्वास को कभी हमारे को कायम रख सके। इससे पहले आपने हमीरपुर से ही जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के विपक्ष में जो चुनाव लड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है भाजपा हाईकमान ने जो है वो धूमल को चेहरा नहीं दिया है, तो क्या लगता है कितना लाभ आपको मिलेगा इसका? चेहरे से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में 70 साल से देश की जनता की सेवा की है, विकास के आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन हम जो चुनाव लड़ते हैं कोई चेहरे के वजह हमें कोई डर नहीं है, हम विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं। जो हमारा जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार बने हैं, 7वीं बार बने हैं, और उनके नेतृत्व में जो हिमाचल में विकास किया है वो अविस्मरणीय है। शायद ही किसी प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने
इस तरह का विकास किया है। हमारा प्रदेश जो पहाड़ी देशों का अग्रणी प्रदेश नहीं है, अब बड़े देश प्रदेशों से आगे बढ़कर हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व विकास किया हुआ है। इससे पहले जो है आपने बमसन से चुनाव लड़ा था, तो अब जो है वो हमीरपुर जिला के साथ जो है वो हमीरपुर क्षेत्र के साथ जो विधानसभा क्षेत्र जुड़ता है उसमें बमसन के कुछ क्षेत्र भी जुड़ते हैं, तो उन लोगों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? मेरे उस क्षेत्र में ऐसे घर भी हैं और मैं समझता हूं कि जब भी मैं चुनाव में उतरा तो उस क्षेत्र ने मुझे अथाह प्यार और समर्थन दिया है, और आज भी मुझे लगता है कि उस प्यार और समर्थन को पहले से ज्यादा देके और आगे ले जाएंगे। आपको जो है मुख्यमंत्री विभद्र सिंह के जो है वो करीबी माना जाता है, तो हमीरपुर में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनको कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जिनको अमलीजामा पहनाया गया है और कितनी ऐसी हैं जो अभी तक अधूरी रह गई हैं? वीरभद्र जी ने जो घोषणा की है वो तो सारी हो गई है। हमारी तहसील की घोषणा है वो भी नोटिफिकेशन हो गया, आचार संहिता की वजह से बढ़ा गई है। पीने के पानी से ACR के बैंक ने उसको फाइनेंस कर दिया है। हमारे हमीरपुर में जो भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो पूरी की पूरी हो गई है और उन पे काम चल रहा है, और कुछ अब आचार संहिता की वजह से रुका है उन पे भी काम चल पड़ेगा, पैसे का प्रावधान हो गया है। आपके सामने अगर आजाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो सिट्टू से अनिल मनकोटिया जी हैं, साथ ही कांग्रेस से बागी हुए कमल पठानिया जी हैं। इन दोनों के चुनाव में उतरने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है? कमल पठानिया तो कांग्रेस पार्टी के ही एक हिस्सा था जिन्होंने बगावत करके जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भराए। देखो, आजाद उम्मीदवार का भरा है या दूसरों ने किसी ने भरा है, चुनाव विचारधारा का होता है, आइडियोलॉजी का होता है, हम उस विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं, और आज तक कई बार ऐसे दौर आए कि हम भी चाहे हम भी अगर उस विचारधारा को छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन हमने कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे चाहे कोई भी वक्त आया, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर हमें आस्था थी, उनके कामों की आस्था थी, उनके प्रदेश के विकास में आस्था थी, इसलिए हम उस विकास में उस आस्था में चलते हुए आज तक कांग्रेस पार्टी में है। और जो भी चुनाव लड़ रहा है वो अपनी विचारधारा का लड़ रहा है, अपनी अपनी पार्टी का लड़ रहा है, फैसला जनता ने करना, जनता जनार्दन जो फैसला देगी उसके हम मान्य हुए। साथ ही अगर बात करें तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री विभद्र सिंह ने जो है वो हमीरपुर में काफी विकास किया है, तो मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो क्यों रुका पड़ा है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। UPA सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को जो है वो घोषणा की थी, 190 करोड़ रुपया दिया था, उसके बाद दर तो वो अपनी BJP की सरकार आई, उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ना इस पे कोई उन्होंने कोई एक्शन लिया, आज तक वो जो ये इसका जो खटाई में पड़ता रहा। हमारी सरकार ने इसके ऊपर प्रयास किया और उसके बाद जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने जो इसको परमिशन देनी थी, बार बार फाइल जो है वो वापस आती रही, ये केंद्र के अधीन है, इसी वजह से वो डिले होता रहा, और आज मेरे को पता लगा कि वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसकी परमिशन दे दी है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, UPA सरकार ने हमीरपुर शहर की पानी की समस्या को देखते हुए लगभग 68 करोड़ की पीने की पानी की स्कीम दी है, और दुख इस बात का है कि उस वक्त UPA सरकार ने पैसा दिया, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ उसका टाउन हॉल में फाउंडेशन किया और उसके ऊपर लगभग 32 करोड़ रुपया और सरकार का जो 10% रुपया वो भी खर्च हुआ, और जब से NDA की सरकार बनी उन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया, 28 करोड़ रुपया आज तक नहीं आया, और वो 32 करोड़ भी खर्च हो गया, 28 करोड़ नहीं आया, जब पता किया तो उन्होंने इन स्कीमों को बंद कर दिया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चली हुई स्कीम को अगर नई घोषित होती तो चलो नई सरकार उसको ना पूरा करते, लेकिन जब वो स्कीम आधे से ज्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च कर गया, उसको बंद करने का क्या उचित था? आज भी हमीरपुर के लोग पानी के लिए त्राई त्राई करते हैं, हमीरपुर शहर में पानी की बड़ी भारी किल्लत है, लेकिन एक उनका बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, बाप इस उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री
प्रेम कुमार धूमल जी थे वो यहाँ के विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता थे, उसके बावजूद भी आज वो हमीरपुर की जनता जो वो पीने के पानी से वंचित है और उस स्कीम का जो पैसा है वो ऐसे हो गया, खत्म हो गया है और केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारी सरकार बनेगी इसके ऊपर कार्य करेंगे और लोगों को पीने के पानी की सुविधा से वंचित नहीं रहने देंगे। आप लोगों से भी मिल रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, तो हमीरपुर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो ज्यादा आपके सामने आ रही हैं? अभी तक किसी ने मुझे समस्या नहीं बताई। लोगों में उत्साह है कि मैं उम्मीदवार बन के आया हूं। आपने देखा, आपने पिछले मेरे साथ दो तीन जगह आप गए, यहां भी आए, तो लोगों में उत्साह, किसी ने मेरे सामने कोई रखा ही नहीं है। सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि मैं चुन के विधानसभा में चला जाऊं और लोगों को विश्वास है कि जब हम विधानसभा में जाएंगे तो जो मैं ना विधायक ना होते हुए भी इलाके में विकास में अपनी रुचि और कर रखता हूं, तो ये समझते हैं कि जब मैं चुना जाऊंगा तो हम और तेजी से इस इलाके का विकास करेंगे। हमीरपुर शहर के लिए अगर आप विधायक बनकर आते हैं, इस सीट से जीतते हैं, तो हमीरपुर शहर के लोगों को उनके लिए क्या खास करेंगे? हमीरपुर शहर के लोगों के लिए जो भी समस्या होगी, जैसे पीने की पानी की है या दूसरी कोई समस्या आएंगी, मैं आज वायदा तो नहीं करूंगा क्योंकि चुनावों के वक्त वायदे जो वो चुनावों के साथ खत्म हो जाते हैं। हम आपको विश्वास लाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो हमीरपुर की समस्याओं का निदान करने के लिए उसी तत्परता से काम करूंगा जिस तत्परता से मैंने बमसन क्षेत्र के विकास में अपनी रुचि दिखाई थी। अपनी जीत को लेकर आप कितने सशक्त हैं? 100% आपको लगता है दावा कर रहे हैं? 100% शुक्रिया, आपने हमसे बात की उसके लिए शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप पठानिया जी ने हमसे बात की और अपनी जीत को लेकर वो 100% जो हैं वो सशक्त हैं कि इस बार वो जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो कांग्रेस पार्टी आने पर जो है वो हमीरपुर की जो भी समस्याएं होंगी उनका निपटारा करेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मीनाक्षी, एस टूडे न्यूज हमीरपुर।